हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि वंस और टेंस बच्चों को कैसे समझाएं और इस तरह के जो ऐड करने वाले होते हैं उन्हें हम बच्चों को कैसे समझाएं कि वो इन्हें कैसे ऐड करें, कैसे जोड़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वंस और टेंस के बारे में बच्चों को बताएंगे कि क्या वंस होते हैं, कौन से अंक टेंस में आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जैसे 25 है, तो इसमें हमें बच्चों को यही बताना है कि तुम्हारा जो राइट हैंड है वो इस तरफ है, ये लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ जो नंबर आते हैं वो वंस में आते हैं, वो वंस कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद के जो नंबर है वो टेंस हो जाते हैं। तो ठीक है, तो फिर इसी तरह हम बच्चों को ऐसे समझाएंगे कि जो 5 हो गए वो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये 5 क्या हो जाएंगे, वंस हो जाएंगे, और ये 2 जो है वो टेंस। ठीक है, इसी तरह 38 में राइट हैंड की तरफ हमारा कौन सा नंबर है, तो 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा, वंस में आ जाएगा, O-N-E-S, वंस। और 3 जो हो जाएगा वो टेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसके बाद अगर मानते हैं अगर 2 आ जाए तो 2 क्या हो जाएंगे, हंड्रेड्स में आ जाएंगे। इसी तरह अगर और अंक आ जाए तो वो थाउजेंड्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें बच्चों को समझाना है वंस और टेंस के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं 8 की तरफ। जैसे अगर ऐसे आए 8 करने के लिए तो हम बच्चों को कैसे क्योंकि बच्चे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें कैसे हम इसे ऐड करना सिखाएंगे। जैसे 2 टेंस है प्लस 14 वंस है, तो 2 टेंस जो है वो हमारा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, तो 2 टेंस ऐसे उतर गया। प्लस अब हमें 114 वंस है, तो इसमें देखिए, इसमें हमें देखना है कि वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो राइट हैंड की तरफ आए वो वंस कहलाता है, यानी ये हमारा राइट हैंड की तरफ आ रहा है, तो ये 4 जो है वो वंस में आ जाएगा, यानी कि 1 टेंस में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 टेंस प्लस 4 वंस। ठीक है, ये इसका हो गया, 1 टेंस में आ गया, 4 वंस में आ गया। अब देखिए, अभी टेंस और टेंस ये दोनों मिल रहा है, तो हम इन्हें और इन्हें ऐड कर देंगे, क्योंकि टेंस टेंस मिल रहा है इसलिए। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 टेंस प्लस 4 वंस। ठीक है, अब 3 टेंस से 4 वंस है, इसका मतलब टेंस यानी 0 हो गया। ठीक है, टेंस में आ रहा, इसका मतलब 0 प्लस 4 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 34, क्योंकि 4 वंस में आ गया, 3 टेंस में आ गया। तो इन्हें हम बच्चों को ऐसे ऐड करना सिखाएंगे। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे चलिए 5 टेंस है प्लस 25 वंस। ठीक है, अब इसका फिर वैसे ही होगा, 5 टेंस, अब इसमें राइट हैंड की तरफ कौन सा नंबर है, तो राइट हैंड की तरफ हमारा 5 नंबर है, और उसके बाद 2 है, तो 5 वंस में आ जाएगा और 2 टेंस में आ जाएगा। तो 2 टेंस प्लस 5 वंस हो गया। अब टेंस और टेंस फिर ऐड कर देंगे हम, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 टेंस प्लस 5 वंस। 5 और 2 को हमने ऐड कर दिया, तो 7 टेंस हो गया प्लस 5 वंस उतर गया। फिर टेंस है, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, तो 7 0 प्लस 5 यानी कि 75। तो इस तरह से हमें बच्चों को बताना है कि बच्चे कैसे इन्हें ऐड करना सीखें। ठीक है, देखिए ये 1 क्लास के सिलेबस में था, मेरे बच्चे को पढ़ाया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करूं,
ताकि आपको बच्चों को समझाने में भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चे अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर की। तो हमें बच्चों को इस तरह से समझाना है, वंस टेंस हंड्रेड्स ये बताना है, उसी तरह फिर ये जब ऐड करने के लिए आए तो हमें बच्चों को इसी तरह से ऐड करना सिखाना होगा, जिससे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो यहीं तक था ये वाला। ओके, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।